वीडियो का संदेश केवल भाई लोग की जागरूकता बढ़ानी है, ना ही किसी को नफरत देना, ना ही किसी का मजाक उड़ाना। तो वीडियो को पूरी देखे, धन्यवाद। हम एक बुंदेलखंडी प्योर गांव के देहाती आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, स्कूल पढ़े नहीं। तो आज बात करते हैं हमारे भागवेश्वर धाम बाबा के बारे में। तो हमारे बाबा जी चमत्कार करते हैं, लोग का कैंसर ठीक करते हैं, लोग की सारी तकलीफें निकालते हैं, उन्हें गरीब से अमीर बनाते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, सब लोग कहते हैं। और बाबा हमारे बहुत डाउन टू अर्थ है, कोई इनसे सवाल पूछ ले इनकी महफिल में, मतलब इनका जो भी क्राउड वर्क होता है उसमें, तो स्टेज पर बुला के उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको कहते हैं मेरे पैर पर। कितने डाउन टू अर्थ है बाबा हमारे। परो पाओ मूड धर के, तुमको लग रहा है मैं नफरत फैला रहा हूँ इस वीडियो से? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं तो खुद भक्त हूँ बाबा जी का यार, बिल्कुल मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। जितने भी लोग जाते हैं इनके शो में, कॉन्सर्ट में, तो भाई सारे बन के आते हैं लखपति, सारे करोड़पति बन के आते हैं, कोई गरीब रहते नहीं भाई। जितने भी लोग कहते हैं ना बाबा जी फ्रॉड है, ढोंगे हैं, झूठ बोलते हैं, पैसा लूटते हैं लोग का, सही कहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। हमारे बाबा से कहते हैं कि छूटी जात वालों को छियो मत भाई, वो अछूत होते हैं। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी हूं, ना छू। हमें समझ नहीं पाता 2024 आ चुका है लेकिन अभी भी लोग भाई बाबा या फिर ये अंधविश्वास पे मान रहे हैं। मैंने सामने देखे लोग इनकी दीवारें लगाते हैं अपने घर पे, इन्हें भगवान मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ये भगवान क्या सिखा रहे हैं हमें? लोग को छियो मत जो छोटी जात वाले हैं। बाबा हमारे जातिवाद सिखाते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत ही फैलाते हैं। अब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, टायरों जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। फ्रेंड्स सबके हिसाब से अगर इन बाबा पर आप नहीं मानते तो भाई आप हिंदू ही नहीं हैं, आप अंधविश्वासी हैं, आप पापी हैं, आप नरक में चलोगे मेरी तरह। हम लोग इन्हें भगवान मानते हैं, ये खुद कहते हैं कि मैं भगवान का रूप हूँ। मुझे बता दो कौन सा भगवान नफरत फैलाएगा, कौन सा भगवान जातिवाद फैलाएगा, कौन सा भगवान इस तरह से भड़काऊ बातें करेगा। राम रहीम जिसके ऊपर 2 रेप किए थे, तो बंदा भी खुलेआम घूम रहा है बेल पे। तो ये सीन तो है बाबा का इंडिया में। मुझे पता काफ़ी सारे लोग इस वीडियो से भड़कने वाले हैं, कहने वाले कि तू धर्म पे ही नहीं मानता। एक बाबा को उल्टा सीधा बोलने से मेरे हिंदू होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ नहीं पाता इंडिया में लोग अभी भी इन बाबाओं की बातों पे कैसे मान लेते हैं। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली है, आउट ऑफ द लिमिट है, ये चीजें बोल कैसे सकते हैं? मतलब बाबा बन गए तो कुछ भी बोलेंगे। वो औरत है, वो कोई किसी का माल थोड़ी है कि कोई आके पैसे दे लो और उसे शादी कर लो। फ्रेंड्स अगर प्रूफ पूछा जाए कि आप करके दिखाई चमत्कार जो आप बातें करते हैं, तो धमकी देते मारने की, सीधे वीडियो हटा देते हैं आपकी। इनको किसी ने चैलेंज करा था कि आप इतने चमत्कारी हैं तो आइए चमत्कार करके दिखाइए, तब ये नहीं गए। इसीलिए नागपुर में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये परीक्षा होगी। नहीं नहीं अभी ये वीडियो में कहा आप, है आप रायपुर जाके पोल क्यों नहीं खोल देते हैं? दिव्य शक्तियां नहीं होती है साहब जी, ये लोगों के सामने पोल खोलने वाली बात है ही नहीं है। तुम सोच के देखो, तुम्हें करोड़ों लोग मानते हैं, तुम्हारी भाई इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, और तुम क्या बता दो सामने आके कि भाई नफरत फैला रहे हो, तुम लोग को मारने के लिए कह रहे हो। और अभी भी कितने सारे गांव है, कितने सारे भाई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं बाबाओं पे, जो इन मानते हैं पुजारियों पे, जो अभी भी मानते हैं कि इसको बीमारी है तो भाई उसे बाबा के पास ले जाओ, ना कि डॉक्टर के पास। कई बार लॉजिकली सोच के देखो भाई, कोई इंसान बीमार है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो बाबा क्या ठीक कर देगा उसको? और हमारे बाबाओं से मिलने जाते हैं भाई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, जो आपको बताते हैं कि देखो कितने सच्चे हमारे बाबा, जिनकी बातों की 1% अहमियत नहीं होती। मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ कोई बाबा के मुझे नहीं बताने वाला, और ना ही मैं इनकी बातों पर मानने वाला हूँ। तुमको लगता है सारे लोग भाई शॉर्ट डालते, रील डालते हैं बाबा की तारीफ करते हुए, तो इन्हें पैसे मिलते हैं सब करने के। बाबा की जो हमारी टीम रहती है वो सब पैसे देती है इनको, तो इनकी बातों पे 1% भरोसा मत करा करो। कल को कोई भी अनहोनी हो जाए आपके जीवन में तो कोई बाबा आके नहीं बचाएगा आपको, आपके पैसे आपके साथी वाले आपको बचाएंगे। तुझे बोलने का तमीचे ही नहीं है, तुम अपने कक्का हलोले वाले, मैं हम तोरो भी बता दे भी कि तुम भी लंगोट को ढीलो है। मगर उससे हिंदू मैं बाबाओं पे बिल्कुल भी नहीं मानता। अंत में इतने ही बोलूंगा, अपने आप पे भरोसा रखो, ना इन बाबाओं पे या फिर एस्ट्रोलॉजी वालों पे, ये कुछ नहीं करने वाले तुम्हारे जीवन में, ना इनको मतलब है तुमसे, बस ये पैसा कमाएंगे और निकल जाएंगे। बस आज के लिए इतने, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, आज दिन वीडियो आती है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डाटा बाय बाय। हम एक बुंदेलखंडी प्योर गांव के देहाती आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, स्कूल पढ़े नहीं।